हाँ भाई मित्रों, की हाल है? होर सारे ठीक आ? तो खेडते हो पबजी? कहते पबजी बैन हो गई इंडिया च। वैसे प्ले स्टोर के इन्होंने चकती। पहला तो मैं लग्या उदा फेक न्यूज़ ही हुई है बी, क्योंकि प्ले स्टोर के भी सी चली भी जाती सी। चली तो खैर हूँ भी जाती है, पर प्ले स्टोर से चकती इन्होंने। हाँ तो मेरे हिसाब से हूँ जिन्ना टाइम कोई अपडेट नहीं आती उन्ना टाइम चली जाऊगी। जो कोई अपडेट आ गई उदों हौली हौली बंद हो जूगी। पर कई अपने पंजाबी भीर जगाड़ भी लाई जाते हैं, जिमें पबजी का कोरियन वर्जन आप कर सकते हैं। वो गूगल तो लेंदा वा, गूगल तो डाउनलोड करते हैं, VPN लगा के। VPN लाना पैंदा तो गूगल तो डाउनलोड हो जाता। एक बार लैंग्वेज चेंज करनी पैंती है तो फिर जमा वधिया उमी चलती है, पूरी वधिया, कोई चक्कर नहीं गा। जिदा हुण कई टिकटॉक चलाई करते सीगे ते उदा ही आ, कोरियन वर्जन पबजी का वो पूरा वधिया चलता, वो चला सकते। तो हुण आपां गल करते हैं फौजी की। हाँ भाई, फौजी है जी इनकोर कंपनी की है बी, बंगलौर की। तो एक दिन थोड़े दिन होया पबजी बैन होने तो बाद ही, ये भी एक क्वेश्चन आ भी पबजी बैन होने तो बाद ही यदा पोस्टर का तो रिलीज़ किया। ये पोस्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट की थी, उत्ते क्योंकि अक्षय कुमार स्पोंसर कर रहा है कंपनी जी बंगलौर की है इनकोर कंपनी। तेरा 20% उन्हें बैच लिखे से 20% तेरा इंडियन आर्मी में भी जाऊगा। हाँ वधिया गल आ। पर ये एक क्वेश्चन ये भी उठता वा भी, पहला क्वेश्चन तो यह उठता भी पबजी बैन होने तो बाद ही का तो कभी है। तो दूजी गल बच्चे उन्होंने लगता 20% उधर जाऊगा इंडियन आर्मी में। हाँ ये भी चंगी गल, पर इन्होंने पहला का तो नहीं यह कढ़िया इन्हों का पोस्टर कि ये इमोशनल अत्याचार करते हैं। तो इमोशनल किया गया सो मेरे हिसाब ना तो इमोशनल अत्याचार ही है। तो चलो देखा अक्टूबर के एंड चाहिए कहें अखीरले हफ्ते देखा। ये गेम की फुल फॉर्म हैगी है फेयरलैस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो जोड़ा पोस्टर कई कहें वह भी कॉपी है। वैसे वो जोड़ा कोई गेम एडी जेती का पोस्टर दिंदी नहीं, जे इन्होंने लिया भी होता उन्होंने पे किया होना वो तो कोई चक्कर नहीं गा। तो वो जी गेम सी कोलिजन इनोसेंस, मेरी फोटो भी पा रहा नाल तो भी देख ही होंगे हूँ। ये गेम का कहें पोस्टर कॉपी है वैसे। हाँ जमा वो ही मिलता वा। तो एक गल होर जेडे कई यूट्यूबर एवं फेक ट्रेलर पाई जाते हैं, फेक गेम प्ले पाई जाते हैं, ये सारे गेम आ गए कि कोई भी कंपनी यह जी नहीं आपका प्रोडक्ट पहला लीक ही नहीं करती। हो ही नहीं सकता है भी वो आपका प्रोडक्ट इदा लीक कर दे। हाँ जो ट्रेलर आऊगा वह पूरा ऑफिशियल तौर पर आऊगा, बड़े बड़े लोग करे उन्होंने ट्रेलर शेयर करे, जिमें अक्षय कुमार ने ऑलरेडी पहले ही ट्वीट की इदा इदा का कुछ होगा, फिर आऊगा वह ट्रेलर, इदा आऊगा वाला ट्रेलर। ये सारे फेक आ। वैसे इंडिया वाले भी चाइना वाले को वधिया कॉपी कर रहे हैं, बहुत वधिया चल रहे हैं। जिमें पहले टिकटॉक नूं बैन करके इन्होंने मौज ऐप जी कढ़ी सी। वैसे मौज मूज तो कोई नहीं चलाउंदा हुण, एक होर चलाउंदा स्नैक वीडियो पता नहीं कि एक ट्रेलर यूज़ उ यूज़ करते, वह भी इंडिया दीआं ऐपां नहीं हैगीआं। इधर मौज मूज नूं तो कोई नहीं देखता, टिकटॉक बैन करता, टिकटॉक नाल वधिया चली जांदा है लोगों का। वैसे मेरे हिसाब नाल तां इन्हां तों होणी नहीं उहो जी कॉपी तां जिमें पबजी ने की है। तो पबजी तो पूरी एंड बनाई पई सी, हम वधिया ग्राफिक आने लग गए थे पबजी के, जिमें PC चाहते उमें आने लग गए थे। पर इन तो बन ही नहीं हो जी गल। हुण कई लोग कहिंदे आ पबजी दे विच उदा नहीं होना जिमें पूरे मैच दे विच पांच पांच बंदियां दी टीम हुंदी सीगी ते 100 टोटल उतरदा सीगा ते आपस च लड़ना हुंदा सी, कहिंदे आए नहीं होना इहदे विच, आपस च नहीं लड़ना होना, इहदे विच मिशन होणगे। जिद्दां कोई जिमें भारत च कोई जंग लगी होगी पहलां है ना, जिमें किसी भी चीज़ की, बंगलादेश दे लई जां किसी भी कोई भी जंग होगी उहदे बारे उहदे रिलेटड उह जिहे मिशन होणगे इहदे विच, तां जो इंडिया दे लोकां नूं इंडिया दी जिहड़ी आर्मी आ उहदे बारे पता लग सके। वैसे हाँ अपने वालों नूं वधिया लभ गया हुण, हरेक चीज़ बैन कर दिंदे ते उहदी कॉपी चक दिंदे नाल ही, आपदी वधिया इनकम बनाई जांदे आ। इधर जिहड़े बेचारे थले खेडदे हुंदे आ उहनां नूं हो जांदा औखा। मैं भी बिच ही हाँ, मैं तो आप बहुत खेडता हुंदा सीगा, हुण भी खेड लई है कदे कदे, पर पहला बहुत टका के लाई है गेम पबजी की। वैसे वधिया उन्हां दा चली जांदा हुण, पबजी का जिहड़ा अल्टरनेटिव आ उहने कढ़ता अक्षय कुमार नूं फौजी, उधर टिकटॉक दा उन्हां ने अंबानी उन्हां ने चक लिया सीगा, वधिया चला रहे आपदा। तो हाँ कई हुण आए कह रहे हैं भी जदों फौजी आई उहनूं डिसलाइक कर दिओ, मेरे हिसाब नाल तां नहीं डिसलाइक करनी चाहीदी, क्योंकि इंडिया दी ऐप आ, देखो एक मौका दा देना चाहीदा इन्हां नूं भी किद्दां नहीं बणाउंदे आ जां कहे जे ग्राफिक आ उहदे। पर वैसे जे बंगलौर दे लोग है तो बहुत इंटैलीजेंट आ, बहुत स्मार्ट आ उधरले,
ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਈ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮ ਪਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਆ ਫੌਜੀ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਨਕੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ENCORI ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 9 ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਕਾਪੀ ਕੁਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਪਬਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਐਕਟਰ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ, ਖਣੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਉਹਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਪਾਤੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਹੋਏ, 9 ਵਿਊ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੱਬ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫੌਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13 ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।